टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की और 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की अथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात होगी सबसे पहले उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। ये आज ही का समाचार पत्र है जिसमें लिखा हुआ फर्जी प्रमाण पत्र लगाने पर एक चयन रद्द, दो चयनित। दुग्धशाला विकास विभाग में सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर अनारक्षित वर्ग में चयनित सुमन सिंह का प्रमाण पत्र जांच में फर्जी मिलने पर उनका चयन रद्द किया गया है और इस स्थान पर अनुसूचित जाति वर्ग के अभ्यर्थी का चयन हो गया है। इससे रिक्त हुई एससी की सीट पर दूसरे अभ्यर्थी का चयन लोक सेवा आयोग ने कर लिया है। इस तरीके की जो सूचना है आज का रोज समाचार पत्रों के माध्यम से मिल रही है, जैसे ये मैंने अभी आपको दिखाई आज की सूचना और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कल की सूचना है। कल समाचार पत्र के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि सहायक सांख्यिकी अधिकारी भर्ती 2013-14 में ये जो फर्जी प्रमाण पत्र लगाया गया था उसकी जगह एक दूसरे छात्र का चयन कर लिया गया है। समाचार पत्र में ये भी लिखा है कि इस तरीके की बहुत सारी भर्तियों में गड़बड़ियाँ हुई हैं लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सख्त हो गया है और जानकारी निकल करके आ रही है कि जो ओ लेवल की जो मार्कशीट हैं वो बहुत सारे छात्रों ने लगाई हुई हैं और ज़्यादातर जो पकड़े जा रहे छात्र वो ओ लेवल की ही हैं। बहुत सारी फर्जी यूनिवर्सिटीज़ की जो मार्कशीट जो यहाँ पर मान्यता नहीं है जिनकी, या बैक डेट में जिन विद्यार्थियों ने मार्कशीट बनाई है इन विद्यार्थियों को पकड़ा जा रहा है और इन विद्यार्थियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी की जा रही है। और ये जो आरओ की वैकेंसी है जिसका परिणाम आने वाला है इसमें भी बहुत सारे छात्रों को पहले ही बार कर दिया गया है। कुछ छात्रों से जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उसमें पूछताछ की जाएगी। और अब बात करेंगे हम लोग टीजीटी और पीजीटी की। सुबह की वीडियो मैंने आप लोगों को जानकारी दी थी और आज के समाचार पत्रों के माध्यम से भी जानकारी दी गई थी कि आज चेयरमैन ने मौका दिया है विद्यार्थियों से मिलने का और आज प्रतियोगी छात्र मोर्चा के जो छात्र हैं वो चेयरमैन से बातचीत करेंगे। दो मुख्य मुद्दे थे, एक तो ये था कि पदों की संख्या 24,163 की जाए, क्योंकि 2022 से 2023 आ गया इसलिए एक और वर्ष के लिए जो अध्याचन है वो दोबारा मंगवाया जाए। और दूसरी परीक्षा देखिए आज क्या वार्ता हुई खुद विक्की खान से। चयन बोर्ड पर 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के आदरणीय अध्यक्ष महोदय से मिला, प्रतियोगी छात्रों के विभिन्न मुद्दों को लेकर उनसे चर्चा की गई। सबसे बड़ी जो सबसे बड़ा और अहम सवाल था वह यह था कि 4163 पद जो विज्ञापित हुए थे 2022 के विज्ञापन में, उन सीटों में वृद्धि कैसे हो सकती है और उसकी क्या संभावना है, इस पर लेकर विस्तार से चर्चा की गई चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से। और हमारी यह मांग भी थी, ज्ञापन भी प्रस्तुत किया गया और प्राथमिकता क्रम में हम लोगों ने यह रखा था कि विज्ञापित 4163 पदों की संख्या में वृद्धि किया जाए, इसलिए कि आपने पिछली मुलाकात में कहा था कि हम विज्ञापन 2022 का 2022 में ही समाप्त कर देंगे, लेकिन आप अपने आश्वासन पर खड़े नहीं उतरे। इन्हीं तर्कों को उनके सम्मुख रखा गया। अब 2023 आने जा रहा है तो क्यों ना आप 2022 के विज्ञापित पदों को के साथ 2023 के लिए जो एक नया पोर्टल खोलकर अध्याचन मंगाने का काम करें, वो मार्च 2023 के सभी रिक्त पद भी हों, या अगर संभव हो तो मार्च 2024 तक के सभी रिक्त पदों को आप अध्याचन का पोर्टल खोलकर मंगाने का कार्य करें, जिससे कि यह संख्या 4163 से बढ़कर 14163 या 24163 पद हो जाए, ताकि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कहना है कि नहीं हम अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी देने का कार्य कर रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी भी पत्र वितरण कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, यह कार्य सरकार के मंशा के अनुरूप होगा कि अधिकतम बेरोजगारों को नौकरी मिल सके। इसी मुद्दे को लेकर चेयरमैन साहब से लगभग 1 घंटे वार्ता हुई है। उस वार्ता में उन्होंने यह स्पष्ट आश्वासन दिया है कि आपका जो सवाल है वो विचारणीय प्रश्न है, विचार करने योग्य है और इस पर जो है 22 और 23 को जोड़कर विज्ञापन जो है के पदों की संख्या को बढ़ाया जा सकता है, इस पर हम चर्चा करेंगे और आपको प्रयास है कि 10 दिनों के अंदर इस पर बताने का कार्य किया जाएगा और हमारी कोशिश रहेगी कि हम जो है पदों को बढ़ा सकें। और जो दूसरा मुद्दा था कि परीक्षा तिथि की घोषणा, तो परीक्षा तिथि की घोषणा 4163 पदों के सापेक्ष इसी पहले मुद्दे से कनेक्टेड है
क्योंकि अगर अध्याचन का पोर्टल खुलेगा, सीटों में वृद्धि होगी तो परीक्षा तिथि में विलंब हो सकता है। अगर परीक्षा फरवरी में भी करा ली जाएगी जनवरी फरवरी मार्च 2024 तक हो सकती है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय का जो कार्यकाल है वह 8 अप्रैल है। तो इसलिए हम लोगों ने यह पहला प्रयास यह किया है कि आप अध्याचन का पोर्टल खोलिए, पूरे 75 जिलों से जिला विद्यालय निरीक्षकों से। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर परीक्षा आप नहीं करवा पा रहे हैं तो कम से कम अध्याचन ही मंगवा लीजिए। इस बीच कुछ आपकी जो सैलरी ले रहे हैं, आप तनख्वाह ले रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, तो उसका कुछ सदुपयोग हो सके, विद्यार्थी आपको याद कर सकें कि कम से कम आप परीक्षा तो नहीं करवा पाए लेकिन आपने जो है पदों की संख्या को बढ़ा दिया था। लेकिन मैं आपको बताऊं कि फरवरी में परीक्षा होने के आसार हैं, ये विकी खान की बातों से भी आपको लगा होगा। इन्होंने भी अभी कहा कि फरवरी में भी अगर परीक्षा होती है तो दिसंबर तक ये भर्ती पूरी हो पाएगी, यानी कि फरवरी में परीक्षा होने से कोई भी इनकार नहीं कर रहा संभावना से। तो संभावनाएं आपकी हैं, हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, ऐसा भी नहीं फरवरी में परीक्षा हो ही जाएगी, ये संभावना है। अगर सदस्य आ गए तो चयन बोर्ड परीक्षा करा लेगा 100%। अगर सदस्य आते हैं 15 तारीख तक, मैंने पहले भी कहा था और 15 तारीख तक मैं अभी भी टिका हुआ हूं। और ज्ञापन जिसे आप लोग दे सकते हैं, और यही ज्ञापन है आप लोग इसे देख सकते हैं, यही ज्ञापन आज दिया गया है। इसमें पूरी बात लिखी हुई है कि परीक्षा की जो तिथि है वो घोषित की जाए और पोर्टल को दोबारा खोला जाए। छात्रों की संख्या भी काफ़ी थी, आप लोग देख सकते हैं, चयन बोर्ड परीक्षा नहीं करवा रहा है, विद्यार्थी कितने नाराज़ है, आप लोग यहीं से बात को समझ सकते हैं। तो जितने भी प्रतियोगी छात्र संगठन है सभी ये चाह भी रहे थे कि फरवरी में आपकी जो परीक्षा है वो TGT PGT की हो जाए। जैसे कि युवा मंच का भी दावा था, शीतला प्रसाद ओझा ने जब वार्ता की थी, जब ज्ञापन दिया था, तब भी यही बात बताई गई थी। आज जो प्रतियोगी छात्र मोर्चा की तरफ से विकी खान गए थे तो इन्होंने भी ये आशंका जताई है कि फरवरी के महीने में परीक्षा हो सकती है। तो आप लोग फरवरी को टारगेट करके अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं। हम लोग बात करेंगे 6800। अभी जानकारी मिली है कि 6800 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मामला समाप्त हो चुका है, आर्डर आपका रिजर्व कर दिया गया है। आज हाईकोर्ट में इसके बारे में सुनवाई हुई, लगभग 1 से 1.5 घंटे तक लगातार सुनवाई हुई और जनरल की तरफ से कई अधिवक्ताओं ने आज अपनी अपनी बात रखी, अंतिम मौका दिया गया था। असित चतुर्वेदी सर ने भी इसमें अपनी बहस की और भी बहुत सारे जो अधिवक्ता उन्होंने भी बहस की और कुल मिलाकर के आर्डर सुरक्षित कर दिया गया है। किसी भी दिन अब ये आर्डर सुना दिया जाएगा और उसके बाद में अब इसका जो अध्याय है वो समाप्त होगा। देखने वाली बात ये है कि 68,500 शिक्षक भर्ती की जो शेष 24,000 सीटें हैं वो 24,000 ही रहेंगी या 17,000 बचेंगी, यानी कि 6800 की नियुक्ति होगी या नहीं होगी, ये सबसे बड़ी बात है। अच्छी बात यह कि सुनवाई अब समाप्त हो चुकी है, आर्डर सुरक्षित किया जा चुका है। वीडियो को आप लोग जल्दी से लाइक कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।